हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान जादूगर की जिसने अपने खेल से पूरी दुनिया को चकित कर दिया। यहाँ तक कि हिटलर भी उसकी खेल का कायल था। क्या आप जानते हैं कौन है वो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की। उनके सम्मान में ही आज के दिन यानी 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम हर वर्ष 29 अगस्त को उन्हें नमन करते हैं, पर क्या हम उनके सपनों के बारे में भी सोचते हैं? उनका भी सपना होगा कि जैसे उन्होंने हॉकी में भारत का नाम रोशन किया है, आगे भी भारत के खिलाड़ी इस परंपरा को जारी रखें। लेकिन आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में यूथ आउटडोर गेम्स की बजाय मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्या आप भी किसी ऐसी संस्था या इंसान को जानते हैं जो ना सिर्फ खेलों के लिए यूथ को प्रेरित कर रहे हों, बल्कि उन्हें इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा रही हो, ताकि भारत के खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने देश का नाम रोशन करें? कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं। उनमें से एक है डेरा सच्चा सौदा शिक्षण संस्थान, जिनको खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। आइए देखते हैं इन संस्थानों के खिलाड़ियों के जलवे। बहुत अच्छा फील होता है और इसका सारा क्रेडिट मैं अपने गुरुजी संत गुरमीत राम सिंह जी, मेरे पापा को, चुनी को देना चाहती हूँ। और उसके बाद हम 2010 में चाइना गए थे, तो वहाँ पे भी शासनाम जी इंस्टीट्यूट के 10 के 10 खिलाड़ी हमारे इंस्टीट्यूट के थे। हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत ज़्यादा हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है कि जिससे हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। और गेम में भी जूडो है और थ्रोअर्स हैं जो हमारे, वो भी बहुत आगे निकल रहे हैं। जूडो में भी हमारा वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड आ गया। अभी एशियन खेलने गए थे चाइना में, जहाँ पे हमारा गोल्ड आया है। और फाइनल मैच हमारा था ताइपाई के साथ, जिसमें हमारा 8-3 का स्कोर था और जिसमें हमारा मेडल आया, गोल्ड मेडल। इन खिलाड़ियों का कोई प्रोफेशनल कोच नहीं है। ये अपनी सफलता का शेयर देते हैं अपने कोच डेरा सच्चा सौदा प्रमुख सेंट डॉक्टर गुरमीत राम हिम सिंह जी इंसा को, जो खुद 32 गेम्स के नेशनल खिलाड़ी हैं। वो सिर्फ यूथ को ही नहीं, बड़ी उम्र के लोगों को भी गेम्स योगा के लिए प्रेरित करते हैं। खेल गांव में जो ग्राउंड बनाए गए हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको लिखित में भी दे दिए जाएंगे। लॉन टेनिस हार्ड कोर्ट है, लॉन टेनिस क्ले कोर्ट है, शूटिंग रेंज है, जिम्नास्टिक एरिया है, बास्केटबॉल का सभी इंटरनेशनल ग्राउंड बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे आगे जो रह रहे हैं।